तो आज के ब्लॉग में गाइस हम लोग जाने वाले हैं एक हॉस्टल है गाइस जमझुमा में। तो हम मेरी बहन पढ़ाई करती है तो आज हम लोग गाइस वहीं जा रहे हैं। अब चलो फटाफट से लीन लीन टाइमिंग। ओ गाइस, ओ भाई 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 भाई, अरे किधर जा रहा था मेरा स्कूटी। वहाँ का जो व्यू है गाइस बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा दिखता है। तो गाइस हम लोग फाइनली हाईवे पहुँच चुके हैं एंड अभी यहाँ से चलते हैं सीधे। और गाइस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से गाइस मेरा 200 सब्सक्राइबर गाइस कंप्लीट हो चुका है। Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? Welcome back to another vlog. So, आज के ब्लॉग में गाइस हम लोग जाने वाले हैं बुंडू तरफ। और बुंडू से पहले एक हॉस्टल है गाइस जमझुमा में, वहाँ मेरी बहन पढ़ाई करती है। सो आज हम लोग गाइस वहीं जा रहे हैं। सो वीडियो में तो पूरा कंटिन्यू बना रहना। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से गाइस मेरा 200 सब्सक्राइबर गाइस कंप्लीट हो चुका है। गाइस आई एम सो हैप्पी गाइस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। सो वीडियो में पूरा कंटिन्यू बना रहना और चैनल पर जो भी न्यू हो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो कर देना लाइक। सो गाइस अभी हम लोग चलो फटाफट से निकलते हैं, वीडियो में पूरा कंटिन्यू बना रहना। गाइस फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड चेक दिस आउट माय स्कूटी। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं GoPro सेटअप पे। हम लोग निकल चुके हैं अपनी बहन के पास, जमझुमा जा रहे हैं। बुंडू से पहले एक जमझुमा नाम करके एक हॉस्टल है टाटा रोड में। सो अभी हम लोग वही निकल रहे हैं। सो वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहना। और मेरी एक दीदी है उसके पास पहले जाना पड़ेगा क्योंकि वो एक हॉस्टल में पढ़ाई करती है। पहला जो डाउन एरिया है यानी कि यहाँ पे एक ढलान करके वो अभी ऐसा करके नीचे जाएगा। यहाँ का जो व्यू है गाइस बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा दिखता है। ये वाला रास्ता पहले तो मिट्टी नहीं भरा हुआ था, इस बार मिट्टी भरा हुआ है क्योंकि पहले यहाँ पे बस छोटे छोटे पत्थर वाला रोड था जिसमें गाइस बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं पर अगर मेरा टायर घुस जाए तो फिर तो पंचर होना कन्फर्म ही है। अब चलो फटाफट से लीन लीन टाइमिंग। ओ गाइस, ओ भाई 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 भाई, किधर जा रहा था मेरा स्कूटी। लीन करने का कोई फायदा नहीं है इसमें गाइस, घुटमुट में गिर जाऊंगा। फिर पता चला कि मैं जाते जाते ऊपर पहुंच गया। हॉस्टल तो पहुंच गया, यही वाला हॉस्टल है। दीदी को कॉल करते हैं, फोन जो मेरा माउंट किया हुआ है पहले दीदी को कॉल करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं दीदी का हॉस्टल से। तो अभी हम लोग जा रहे सीधे हाईवे तरफ। तो गाइस हम लोग फाइनली हाईवे पहुंच चुके हैं एंड अभी यहाँ से चलते हैं सीधे। एंड स्कूटी में फ्यूल नहीं है तो सबसे पहले फ्यूल अप करवाते हैं। आगे से जस्ट लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है तो वहाँ से पहले फ्यूल अप करवाते हैं स्कूटी को। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि 200 सब्सक्राइबर मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड गाइस इंस्टाग्राम का लिंक भी तुम लोगों को नीचे मिल जाएगा, फटाफट से जाओ और फॉलो करो। तो ये देखो जमझुमा एंड हियर इज दिस, इधर है हॉस्टल। तो गाइस मिलते हैं तुम लोग को आगे। सो वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहना। 2 hours later. तो गाइस हम लोग फाइनली वहां से निकल चुके हैं हमारी बहन से मिलके। मैंने उसको बोला था कि ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो तुम भी थोड़ा मेरे फैमिली मेंबर से कुछ बोलो, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर उससे कुछ बोलो। तो वो बोली कि भैया वो अच्छे से तैयार नहीं थी तो किसी से। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, और मैं वहाँ पर कम से कम 3 घंटा ऑलमोस्ट रुका वहाँ पे। और 3 घंटा के बाद जस्ट अभी निकला वहाँ से। 2000 years later. गाइस अभी का सीन ये है कि हम लोग दीदी को छोड़ के उसका हॉस्टल से निकल गए हैं। गाइस हम लोग फिर से वही वाल नेचर पे पहुँच गए। गाइस ये सीन चेक करो गाइस, बहुत ऑसम लगती है इसको देखने में। गाइस इधर जितने भी सारे खेत थे सारे में धान लगाया गया है। चलो स्कूटी को थोड़ा सा फोटो शूट पे उधर लेके चलते हैं और तुम लोगों को व्यू वगैरह दिखाते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं और बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। और
नीचे देख लो, नीचे इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ से मिट्टी ले जाया जा रहा है। और मौसम तो गाइस आज का बहुत क्यूट लग रहा है। और सो गाइस चेक दिस आउट माई स्कूटी, ये भी पूरा साइन मार रही है। और मौसम तो काफ़ी अच्छा, और जी वाइट वाला जो है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। एंड इधर का जो गाइस सीन और नेचर है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है देखने में। तो गाइस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, चलो फटाफट से थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ तुम लोग को थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो गाइस आई होप कि ये वाला ब्लॉग तुम लोगों को पसंद आया होगा। गाइस पसंद आया होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और क्या ही बोल सकते हैं। चैनल पर न्यू हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए गाइस मैं अपलोड यूट्यूब पर अपलोड करूँ, तो वो उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।